गुजरात के बड़ौदा के मध्य में सुरसागर आया हुआ है। सुरसागर के मध्य में सर्वेश्वर महादेव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा आई हुई है और इस प्रतिमा को चार चांद उसके सुवर्ण जड़ित बनने से लग गए हैं। जी हां, सर्वेश्वर महादेव की प्रतिमा को सुवर्ण जड़ित करने का काम अब पूरा हो चुका है और आने वाली 18 फरवरी यानी कि शिवरात्रि के दिन इसका लोकार्पण होने वाला है। इसका लोकार्पण राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों से होने वाला है। ये पूरा कार्य सत्यम शिवम सुंदरम कमिटी की ओर से किया गया है और आज एक पत्रकार परिषद के जरिए 18 फरवरी को सर्वेश्वर महादेव की सुवर्ण जड़ित प्रतिमा को लोकार्पित करने वाला कैसे किया जाने वाला है इसके बारे में पूरी जानकारी सत्यम शिवम सुंदरम के सदस्यों की ओर से दी गई थी। सुवर्ण संकल्प ट्रस्ट द्वारा आगामी 18 फरवरी शिवरात्रि ना दिवस भगवान सर्वेश्वर महादेव सुरसागर में जे बिराजमान है 111 फूट की मूर्ति पर सुवर्ण मढ़ी काम पूर्ण थू लोकार्पण महाशिवरात्रि दिवसे थानू आ दिवसे परंपरा मुजब प्रतापनगर थी रणमुक्तेश्वर महादेव थी शिवजी सवारी बपोरे 3:30 त्यांथी शुरू थी नानू शाक मार्केट मांडवी नाय मंदिर थईने मार्केट 4 रस्ता त्यांथी अग्निशांति केन्द्र त्यांथी महाराणी हाईस्कूल थईने प्रताप टॉकी महाराणी हाईस्कूल पहुंचे सुसागर महाआरती कार्यक्रम 7:15 थे त्यांथी फरीथी यात्रा शुरू थशे गांधीनगर गृह अने कोठीए उदयनारायण भगवान पास आ यात्रा पूरी थशे। आमां आ वखते लाखों भाविक भक्तों जोड़वाना छे अने भगवान शिवजी नो रथ शिव परिवार नो रथ खेची ने भगवान शिवजी नो पुण्य कमावाना छे। आ कार्यक्रम में वडोदरा शहरना भाविक भक्तों शिव भक्तों ने विनंती आप बधाज आ कार्यक्रम में जोड़ाओ अने भगवान शिवजी नी यात्रा नो लाभ।